क्या काम करते हो तुम? घरों में खाना बनाती हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? 2500। मम्मी भी कर रही पार्क में। पार्क में क्या करती है? पार्क में साफ सफाई। अपना घर है, किराए का घर है? नहीं, किराने चुके हुए। तो कैसे चलता है? पिछले लास्ट टाइम मैंने दिए थे कुछ पैसे, तो फिर अब कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा? मैं काम करती हूँ, मम्मी काम करती। इधर आगे बैठो। क्या काम करते हो तुम? घरों में खाना बनाती हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? 2500। कितने घरों में खाना बनाती है? दो घर में खाना बनाने के 2500 मिलते हैं। हाँ। बस दो घरों में बनाती है, उसी से घर पूरा घर का खर्चा चल रहा है? मम्मी भी कर रही है पार्क में। पार्क में क्या करती है? पार्क में साफ सफाई। उन्हें कितने मिलते हैं? उन्हें साढ़े छः हज़ार। अच्छा, तो 6500, 9000 रुपये। तुम क्या करते हो? ये कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। पहले पार्क में करते थे ना ये? पहले काम करते थे, लेकिन ठेकेदार ने हटा दिया। तुम्हारा एक दिखाना है ऐसे करके। तो क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही बोला है कि मतलब जो दवाई चल रही वही चलाते रहो, अब उनका कुछ नहीं कर सकते। और फैल रहा है, केमो भी दे चुके हैं, दवाइयाँ भी इतनी खिला चुके हैं, कुछ असर हो नहीं रहा है। जो चल रहा है वैसे चलाते रहो, मतलब जैसे जिंदगी चल रही है उसे उसे काटते रहो बस, है ना? बाकी हम दवाई दे रहे हैं, ज्यादा इससे ज्यादा ना पड़ सके। तो आने जाना खर्चा वर्चा क्या चलता है? आने जाने का खर्चा वर्चा काम करते रहते हैं, उसमें पैसे मिलते रहते हैं। वही 8-9 हज़ार रुपए में। अपना घर है, किराए का घर है? नहीं, किराने झुग्गियों में रहते हैं। उस झुग्गी का कुछ पैसे वैसा मिलता है? नहीं, देते उसका झुग्गी कोई पैसा नहीं है। भाई पढ़ने जाते हैं, उनके ट्यूशन जाते हैं, भाई पैसे लेने पड़ते हैं। भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा? भाई में एक है, 3 में और 1 में 2 है, छोटी बहन है एक। बस तुम दो ही लोग कमा रहे हो? हाँ। 2500 तुम? हाँ। और 6500 मम्मी कमा रही है, इसके अलावा कोई? कोई नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है कमाने का जरिया, कोई नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? फैयाज। तो कैसे चलेगा, कब तक? देखो कब तक चलाते हैं, डॉक्टर तो बोल रहे हैं जितने चला रहे हैं। तो हफ्ते में कितने दिन आते हो? हफ्ते में नहीं बुला रहे, अब महीने में बुलाएंगे। हफ्ते में अब छोड़ दिए, आज से कह रहे हैं महीने में। देखो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ समाज में कि कितने लोग हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। ये गुड़िया है, ये 2500 रुपये कमाती है, इनकी इनकी जो मम्मी है वो 6500 रुपये कमाती है, कुल मिला के 7-8 हज़ार रुपये हो जाते हैं। 7-8 हज़ार में इन्हें अपने घर का खर्चा चलाना है, भाई बहन को भी पढ़ाना है, ठीक है बेटा, उसके बाद में अपने बाप का इलाज भी कराना है। जो काम एक लड़के को करना चाहिए वो एक लड़की कर रही है, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हर बात देते हैं ना आपको, ठीक है ना? दे रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है मैम। एक महीने में 2500 कमाते हो? एक महीने? हाँ। एक महीने जब लोगों के घर के बर्तन साफ करते हो तब 2500 मिलते हैं? क्या कह रहे हैं? शादी होगी, शादी के भी करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे, कराने वाला है, ठीक है ना? फिलहाल जो है हम कर रहे हैं। लो बेटा एक महीने मिलते हैं ना 2500, तो कोई बात नहीं, हमने आप दे दिया एडवांस में तुम्हें, ठीक है? खुश रहो, ठीक है, अपने वाले साहब का ख्याल रखो, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? नहीं, हाथ मत जोड़ो, परेशानी है, अल्लाह खैर करेगा। और वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आगे बढ़ो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुस्लिम के। शुक्रिया। हमने वीडियो बनाई है, कोई वीडियो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। डाल दें वीडियो फेसबुक वगैरह पे, ऐतराज़ तो नहीं कोई? चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।